हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड मैथ्स। मैथ्स के अंदर आज हम करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। इससे पहले हमने आपको कंपेयरिंग नंबर बताए, जिसमें एरो का निशान लगाना होता है, जो एक जैसी संख्या उसको इक्वल करना होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको कंपेयरिंग नंबर आपको पता चल गया, जो बड़ी डिजिट होती है उसकी तरफ उस एरो का मुँह क्या होता है, खुला होता है, जैसे ये, ठीक है। उसके बाद में आज हम करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि असेंडिंग कैसे किया जाता है और डिसेंडिंग नंबर को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग करने से पहले इस चीज़ को समझना जरूरी है। अब ये क्या कह रहा है, फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। टू फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर वी राइट द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ देखो, कुछ तुम्हें यहाँ पे कुछ डिजिट्स दे रखी है, ठीक है। लेट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट, या स्मॉलेस्ट नंबर दे रखे हैं, इसका आपको यूज करना है। कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको यूज करना है कि सबसे छोटी जो डिजिट है वो सबसे आगे आएगी और सबसे बड़ी डिजिट जो है वो सबसे पीछे लगेगी। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज डिजिट्स इज, अब देखो क्या बोला आपने को, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी डिजिट आगे लेके आनी है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें देखो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, टू, ये हमने लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी डिजिट कौन सी आ गई, टू। अब इसमें इससे बड़ी डिजिट कौन सी है, फाइव, तो असेंडिंग ऑर्डर टू के बाद आ गया फाइव। थ्री फोर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि इस डिजिट के अंदर थ्री फोर नहीं दे रखा। इसी डिजिट को हमें क्रमवाइज लगाना है कि टू के बाद थ्री फोर आता है, नहीं है, तो टू के बाद डायरेक्ट क्या है, फाइव। फाइव के बाद में इससे बड़ी डिजिट कौन सी है, एट, हमने यहाँ लिख दिया एट। उसके बाद में क्या है, नाइन, तो हमने लिख दिया नाइन। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट नंबर टू फाइव एट नाइन। सो टू फाइव एट सिक्स यानी कि 2589 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो सिमिलरली, अब इसमें क्या दे रखे, टू, इसी को वापस बना दिया 2589, ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर 2589 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब देखो सिमिलरली द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल यूजिंग द डिजिट। अब देखो यहाँ पे कुछ डिजिट दे रखी है, 2968 इज 2689, इसको भी क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे इसमें लगाया वैसे ही आपको इसमें लगाना है। जैसे सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, टू, तो हमने टू लिख दिया। टू के बाद में फाइव नहीं है, थ्री फोर फाइव तीनों नहीं है, सिक्स है, तो हमने ये सिक्स लिख दिया। सिक्स के बाद सेवन नहीं है, एट है, तो हमने एट लिख दिया। एट के बाद नाइन, 2689, ये इस किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह देखो, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर वी राइट द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना है, पहले हमने लगाया असेंडिंग ऑर्डर के छोटी से बड़ी संख्या, अब डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। अब बड़ी संख्या आगे आएगी और छोटी संख्या जो डिजिट है वो पीछे जाएगी। लेट्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट। अब देखो 2986 हमने क्या लगाया, 2985 यहाँ दे रखा है। अब देखो इधर 2968 हमने इसको लगाया असेंडिंग ऑर्डर में, इसी डिजिट को हमें किस में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट्स इज, अब देखो इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, नाइन, तो हमने सबसे आगे क्या लगाया, नाइन को। फिर इससे छोटी कौन सी है, एट, ये रहा एट, तो हमने एट को सेकेंड नंबर पर लिख दिया। थर्ड नंबर पर कौन है, इससे छोटी संख्या सिक्स, तो थर्ड नंबर पे सिक्स आ गया। सबसे आगे कौन है, सबसे छोटी है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो है कहाँ जाएगी, सबसे पीछे टू, तो क्या बन जाएगा, 9862। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट्स इट इज 9862। सो 9862 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये बड़ी डिजिट हो गई और ये कौन सी हो गई, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी, 2689, ठीक है ना। अब देखो सिमिलरली द ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल यूजिंग द डिजिट्स,
अब देखो वापस इसमें किस में लगाना है, ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है, 9। 9 के बाद में कौन है, 6। 6 के बाद में 3। 3 के बाद में 2। तो 9632। ये आपको हमने समझाया। अब इसके कुछ सवाल करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के। अब देखो कौन कौन से सवाल है इसके। फोर डिजिट में आपने किए। अब देखो अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ डिजिट्स दे रखी है, आपको देखना है कि इसमें कौन सी छोटी डिजिट्स है और कौन सी बड़ी है। क्या करना है, असेंडिंग। असेंडिंग का मींस क्या बताया मैंने, जो छोटी संख्या होगी, जो छोटी डिजिट्स होगी, उनको हमें आगे लेके आना है। पहले छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब देखो 1615, 5161, 1875, 9835, 6385। अब देखो इसमें क्या है, ये सबसे पहले डिजिट ये है 1000 से दे रखा है। इसने कौन से 1000 से दे रखा है, 1000। तो ये सबसे छोटी डिजिट हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे 1615। अब इससे बड़ी देखो कौन सी है, 5161 है, या 1875 है, या 9835 है, या 6385 है। कौन सी आएगी, 1000। ये 116 हो गया, 1016 हो गया, ये 1875। अब इसके बाद में कौन सी है, अब अपने आप पता चल गया, ये 1 से स्टार्ट है, ये भी 1 से, ये 9 से, ये 9 से, ये किससे, 5161। उसके बाद में 6385, 6385। फिर कौन सी बची, सबसे बड़ी ये 9835। आगे यहाँ तक समझ में। इसी तरह ये देखो 2001, 3785, 3680, 9753, 2685। अब देखो इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2001। क्या है, 2001। फिर 2685, उसके बाद में 3000। अब देखो यहाँ 37 है, 3785, यहाँ क्या है, 3680। फिर कौन सी है, 3785, 3785। सबसे कौन सी, 9753, 9753। आगे यहाँ तक। अब ये भी देखो, ये अब करवाना है आपको, ये दोनों आपको ही करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखना है, छोटी से बड़ी। अब देखो हम आपको करवाते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, ठीक है। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटी। अब कौन सा आएगा, बड़ी संख्या को आगे लेकर आएंगे हम। अब देखो ये भी फोर डिजिट में, अब पहले इसको रीड करना, 7595, 2957, 6084, 4859, 6375। अब इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2957, 2957। उसके बाद में 4880, 4859, 4589।
उसके बाद में 6084, फिर देखो 6375, उसके बाद में कौन से 7592, आ गया तक समझ में? इसी तरह देखो सेकंड 8853, 8853, 2,784, 4,982, 9,842, 4,982, 7,382, 8,842, 7,380। अब सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? ये पहले नंबर पे, उसके बाद में कौन सी है 2,704, उसके बाद में 9,482, 7,380 और सबसे बड़ी कौन सी डिजिट है 8,942। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी कौन सी है? अब देखो, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ कैसे लिखी, देखो ये राइट लिखा मैंने, ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, बड़ी डिजिट को, जो इस ग्रेटेस्ट डिजिट है, उसको आगे लेकर आना है, ठीक है ना? अब देखो उसका उल्टा क्या किया हमने, यहाँ लिखेंगे 7592, फिर आएगा 6375, फिर आएगा 6084, फिर आएगा 4589, 2957। देखो आई ना, अब इसमें पहले कौन सी थी, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी डिजिट है, अपने को कौन सी बड़ी डिजिट देखनी थी? सबसे बड़ी डिजिट ये देखनी थी, ये कहाँ आएगी? सबसे आगे। और इसमें देखो उल्टा नंबर लगा रखा है, ये जो मैंने फर्स्ट लगा रखा है वो सबसे पीछे आएगा। क्या आएगा? सबसे पीछे आएगा। फिर ध्यान से देखो, ये हो गई, उसके बाद में कौन आएगी 6000, ये वाली, उसके बाद में ये, ठीक है। अब इधर भी देखो, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी थी 7000 से बड़ी कौन सी थी? ये सही है 7000, गलत है। यस, ये वाली होगी, कौन सी? ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि ये कहां से स्टार्ट है 8,942, ये कौन सी है 7,380, उसके बाद में 4,982, 2,704, 1,853। इसको क्या लिखना है? क्रमवाइज लिखना है। इसी तरह देखो, ये नंबर मैं लगा रही हूँ, आपको खुद को करना है। मैंने आपको बता दिया पहले नंबर डाला है, तो हमें पहले कौन सी लिखनी पड़ेगी? ये फिफ्थ नंबर पर है, नहीं नंबर गलत डल गए। देखो ये वन नंबर, ये टू नंबर पे, ये थ्री नंबर पे, ये आ गया फोर, और ये आ गया फाइव नंबर पे, ठीक है। इसी तरह ये दोनों सवाल आपको करना है। एक बार फिर से बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 9,782, फिर 7,385, 5,792, 5,327, 3,168। इसी को क्रमवाइज कैसे लिखोगे? कि जैसे मैंने नंबर वन डाला है, तो इस नंबर वन को यहां लिखोगे, टू नंबर पे कौन है 6,375,
84, फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी नाइन, टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी सेवन, इसी तरह इसको लिखना है। ओके, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, इसी तरह आपको ये खुद को ही करना है। ओके, थैंक यू।